महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, तकनीक आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वो भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकरा कर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाते। इसके अलावा वो शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वो रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार दो सूंड वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत आयत होगी, कोई कोई ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता इतनी होगी कि बालकों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा।
किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता है तो लोग रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं, लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने ये देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़की लड़के के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐश्वर्याम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। अंत में सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वो ये कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। मित्रों, अब आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण ने जिस जिस दृश्य पर टिप्पणी दी है वो सब आज के समय में घटित हो रहा है। व्यवसाय धर्म कर्म समाज राजनीति हर जगह वही हो रहा है जो श्री कृष्ण ने बताया। अंत में उन्होंने ये भी बताया कि श्री हरि का नाम मनुष्य को सतमार्ग की ओर ले जाएगा, इसलिए ईश्वर का नाम तन मन से लेते रहिए। कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखकर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अज्ञात दुनिया के साथ साथ हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कर लें। जय शंकर।